students, so today we are going to learn measurement of weight. Measurement M-E-A-S-U-R-E-M-E-N-T, measurement M-E-A-S-U-R-E-M-E-N-T, measurement of weight, W-E-I-G-H-T, weight. पहले हमने क्या सीखा था? मेजरमेंट ऑफ लेंथ. जब हमें किसी की लेंथ मेजर करनी हो उसके लिए तो टू हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट उसके लिए यूज़ किए थे. कौन कौन से? मीटर एंड सेंटीमीटर. आज हम वेट का करेंगे. तो वेट में कौन सा? जब भी हम लोग वेजिटेबल्स लाने के लिए जाते हैं या तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों को कितनी चीज़ चाहिए, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग जब वेजिटेबल लाने के लिए जाते हैं. अगर पोटैटो मम्मी लेती है तो क्या बोलती है शॉपकीपर को? 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे बोलती है ना. कभी कभी कम लेना हो तो 500 ग्राम ऐसे बोलते हैं. तो जो वेट होता है वो ग्राम और केजी में हम लोग बोलते हैं. उसके लिए जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं सबके लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, तो हाइट के लिए लेंथ के लिए मीटर एंड सेंटीमीटर, और वेट के लिए केजी एंड ग्राम. केजी एंड ग्राम मतलब किलोग्राम और ग्राम. ठीक है, तो वी मेजर, डब्ल्यू ई वी मेजर, एम ई एस यू आर ई मेजर वेट, डब्ल्यू ई आई जी एस टी वेट इन ग्राम, जी आर ए एम ग्राम एंड किलोग्राम, के आई एल ओ किलो, जी आर ए एम ग्राम. आपको पहले ग्राम की स्पेलिंग लर्न करनी है, जी आर ए एम ग्राम. ठीक है, इसको आपको 3 टाइम ओरल करना है, जी आर ए एम ग्राम, जी आर ए एम ग्राम. फिर किलोग्राम में क्या करना है हम लोगों को? ग्राम तो आता ही है, सिर्फ किलो का स्पेलिंग लर्न करना है, के आई एल ओ किलो. तो क्या बन गया? किलोग्राम. अभी इसमें क्या होता है, जो ग्राम है वो स्मॉल के लिए यूज होता है. जब हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट परचेज करते हैं और स्मॉल ऑब्जेक्ट का वेट करना तब हम ग्राम का यूज करते हैं. और अगर हमें हैवियर ज़्यादा, ठीक है, स्मॉल, इसमें हम लोग स्मॉल और बिग नहीं बोलते, इसमें लाइटर एंड हैवियर वर्ड यूज़ करते हैं. अगर हमें लाइट वेट को करना हो मतलब उसका मेजरमेंट करना हो तब हम ग्राम का यूज़ करते हैं, और अगर हमें हैवी वेट को मेज़र करना हो तब हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 1 ऑरेंज परचेज करना है, कितना? 1 ऑरेंज, तब मैं उसका वेट किस में बोलूँगी? ग्राम में. पर अगर मुझे 6-7, मेरे फैमिली में बहुत सारे मेम्बर हैं और मुझे 7-8 ऑरेंजेस चाहिए तो फिर उसका वेट किस में हो जाएगा? किलोग्राम में. ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर में कैसा था? मीटर बिग के लिए था और सेंटीमीटर स्मॉल के लिए था. जो आपने पहले लर्न किया उसको भूलना नहीं है, उसको साथ साथ में याद ही रखना है आपको, उसको रिवाइज भी आपको करना है. ठीक है ना, तो ग्राम किसके लिए होता है? लाइटर के लिए. किलोग्राम किसके लिए होता है? हैवी के लिए. ठीक है, टू वेट, WEIGST वेट, लाइटर, LIGST या लाइटर ऑब्जेक्ट, वी यूज ग्राम. ग्राम को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? GRAM ग्राम और जी. टू वेट, WEIGST वेट, हैवियर, HEAVIER हैवियर, HEAVIER हैवियर ऑब्जेक्ट्स, वी यूज किलोग्राम. किलोग्राम को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? केजी. ठीक है, तो अभी जो वेट होता है, जैसे बुक, 1 बुक कैसी होती है? हम लोग 1 बुक को आराम से कैरी कर सकते हैं, तो उसका वेट कैसा होता है? लाइट वेट होता है ना, कम होता है वेट. तो हम उसको मेजरमेंट किस में करेंगे? ग्राम में. ग्राम का शॉर्ट क्या होता है? जी. फिर अगर 6 बुक्स हो गए तो 6 बुक को आपको मेजर करने, वो थोड़ा हैवी हो जाता है ना. थोड़ा क्या, अगर बुक्स थोड़ी मोटी हो तो ज़्यादा हैवी हो जाता है. तो जो चीज़ें हैवी होती है, ठीक है, और उसके लिए हम लोग केजी का यूज करते हैं. चाइल्ड वो नहीं है, पर आपने आपके एज का या छोटा सा जो बोर्न बेबी होता है ना उसका भी वेट केजी में ही होता है. कभी भी चिल्ड्रन का या छोटे किड का, चाइल्ड का वेट कभी ग्राम में होता ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो एकदम इतना सा कभी नहीं होता है, साइज होती है. तो हमेशा चिल्ड्रन की या चाइल्ड का जो वेट होता है वो हमेशा केजी में होता है. जो बोर्न बेबी होता है आपका वेट कितना होगा? 18, 20, 15 होगा ना.
होता है। फिर ऑरेंजेस, ठीक है, तो अभी इसमें वन ऑरेंज नहीं है, कितने ऑरेंजेस है, सिक्स ऑरेंजेस है, तो उसका वेट भी किसमें होगा, केजी में। जो हैवी थिंग्स होती है, हम लोग जब वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, फ्रूट्स मार्केट जाते हैं, या हम लोग पल्सीज वो सब परचेज करते हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग केजी या ग्राम में ही परचेज करते हैं, जब हमें वेट करना हो किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो लेट्स सी इन टेक्स्ट बुक एंड क्लास वर्क। तो एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 116, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, टिक द करेक्ट यूनिट टू मेजर, TICK टिक, THE द करेक्ट, CORRECT करेक्ट यूनिट, UNIT यूनिट टू मेजर, MEASURE मेजर, आपको जो करेक्ट यूनिट है उसको आपको टिक करना है, ठीक है। तो इसमें केजी के लिए क्या, किलोग्राम के लिए केजी लिखा हुआ है केजी, और ग्राम के लिए जी लिखा हुआ है। तो जो चीज़ें लाइटर वेट की होगी उसमें आप किस में टिक करोगे, ग्राम में, और जो चीज़ें या जो ऑब्जेक्ट हैवी होंगे या जिनका वेट हैवी होगा उनके लिए आप केजी में टिक करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन, बुक, वन बुक है, वेट ऑफ अ बुक, कितने बुक्स का वेट है, वन बुक्स का, तो बुक्स का वेट कैसा होता है, लाइट होता है, वन बुक का। वेट ऑफ अ वाटरमेलन, वाटरमेलन का वेट कैसा होता है, हेवी होता है ना, तो उसका वेट हमेशा केजी में होता है। फिर वेट ऑफ अ टेलीविज़न सेट, पूरा टेलीविज़न एकदम लाइट होता है ना, नहीं नहीं बहुत हेवी होता है टीवी, तो उसका वेट किस में होगा, केजी में। फिर वेट ऑफ सिक्स मैंगोज, इधर सिक्स मैंगोज दिया हुआ है इसलिए हम केजी करेंगे, क्योंकि सिक्स मैंगोज का वेट आप उसको ऐसा थोड़ी एक हैंड में वो अपने पाम में आराम से उठा पाओ, नहीं कैरी कर सकते हो ना, क्योंकि सिक्स मैंगोज है इसलिए आपका थोड़ा उसका वेट होता है, तो थोड़ा क्या उसका वेट केजी में होता है। अगर वन मैंगो होता तो हम ग्राम में करते। अभी देखो वेट ऑफ वन कैरेट, कैरेट का वेट किस में होगा, ग्राम में। वेट ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड का वेट हमेशा केजी में ही होता है, तो आपको ये पहले प्रॉपरली टिक करने है। फिर आपको यही एक्सरसाइज क्लास वर्क में कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज नंबर 2 आपकी हो गई है, एक्सरसाइज नंबर 3 हेडिंग लिखना है, एक्सरसाइज नंबर 3 डेट इन क्लास वर्क, एंड यू हैव टू लेफ्ट लाइन, लेफ्ट वन लाइन एंड स्टार फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, स्टार इन द मार्जिन, एंड यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, टिक द करेक्ट यूनिट टू मेजर, ठीक है, इन प्रॉपर हैंड राइटिंग। आफ्टर दैट यू लीव वन लाइन एंड स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, 1 to 10 क्वेश्चन, यू हैव टू फिनिश ऑल द 10 क्वेश्चंस इन प्रॉपर हैंड राइटिंग। द फर्स्ट वन इज वेट ऑफ एन एप्पल, यू हैव टू फाइंड प्रॉपर यूनिट फॉर मेजरिंग एप्पल, इज देयर इज वन एप्पल, सो वन एप्पल वेट इज हैवी और लाइटर। द यहाँ पे देखो जो केजी है वो हमने ब्रैकेट पहले इन टेक्स्ट बुक क्या किया हुआ था, द मेजरमेंट ऑफ यूनिट केजी ग्राम इज रिटन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट द ब्रैकेट इज ड्रॉन। इन आर क्लास वर्क वी हैव टू ड्रॉ ब्रैकेट फर्स्ट एंड आफ्टर द ब्रैकेट वी हैव टू राइट केजी फॉर किलोग्राम एंड ग्राम फॉर जी या जी फॉर ग्राम। आपको शॉर्ट में ही लिखना है, यू डोंट हैव टू राइट द फुल नेम्स, ओके। तो यू हैव टू फाइंड एप्पल है, कितने एप्पल्स है, वन एप्पल है, तो वन एप्पल का वेट होता है वो लाइटर होता है, इसलिए यू हैव टू टिक इन ग्राम बॉक्स, ओके। वेट ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जो हमारा जो फ्रीज होता है, ठीक है, उसका वेट कैसा होता है, हेवी होता है, तो आपको केजी में टिक करना है। टेलीविज़न सेट का, फिर 5 मैंगोज, चाइल्ड, बुक, बेंच, जो पूरा हमारा क्लास का जो बेंच होता है वो हेवी होता है या लाइट होता है, हेवी होता है ना, तो उसको भी आपको केजी में टिक करना है। डस्टर, डस्टर तो प्रॉपरली आप आराम से कैरी कर सकते हो, या उसका वेट तो कम होता है, जब आप हैंड में कोई भी चीज़ को कैरी करते हो तब आपको पता ही चल जाता है इसका वेट लाइट है या इसका वेट हैवी है। पेन, पेन भी का भी वेट लाइट होता है, चॉक का भी वेट लाइट होता है, तो जिसका हैवी वेट होता है उसका आपको केजी में टिक करना है, और जिसका वेट लाइट होता है उसका आपको ग्राम में टिक करना है। जैसे टेलीविज़न सेट केजी, मैंगोज भी केजी, चाइल्ड भी केजी, बुक अ बुक तो ग्राम, बेंच का वेट
केजी, डस्टर का वेट ग्राम, पेन का भी वेट ग्राम है, चौक का वेट भी ग्राम। ठीक है, आपको प्रॉपरली ये एक्सरसाइज नंबर 3 आज कंप्लीट करनी है। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।